दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोनेट के बारे में। अगर आपके पास पहले से कोई शॉप या दुकान है तो आप रोनेट की आईडी लेकर आप अपने कस्टमर को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप रोनेट की सीएसपी आईडी फ्री में कैसे ले सकते हैं और इसमें आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिलेगी, इन सर्विसेज में आपको कितना कमीशन मिलेगा और जो आप कस्टमर के ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपके कस्टमर के खाते से कितना चार्जेस कटेगा, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। सो गाइज, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको रोनेट आईडी लेने पर इसमें कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं। तो सर्विसेज इसमें दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, जैसे AEPS है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार कार्ड के जरिए आप किसी के खाते से पैसे निकाल सकते हैं और किसी के खाते में आप पैसे जमा भी कर सकते हैं। दूसरा है आपका DMT यानी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र। इंडिया के सभी बैंकों में आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पैन कार्ड, यहाँ पर पैन कार्ड का फैसिलिटी मिल जाएगा पैन कार्ड बनाने का, लेकिन इसका अलग से आपको कुछ चार्जेस पे करना पड़ेगा। रिचार्ज एंड बिल पेमेंट का आपको फैसिलिटी मिलेगा। ट्रेवल इंश्योरेंस का आपको फैसिलिटी मिलेगा। ट्रेवल में दोस्तों आप ट्रेन टिकट कर सकते हैं, एयर टिकट कर सकते हैं। इंश्योरेंस में आप जैसे आप LIC वगैरह का पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली इतनी आपको सर्विसेज मिल जाएंगी। अब दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कमीशन की कि आपको इसमें कमीशन कितना मिलेगा। तो सबसे पहले हम AEPS का कमीशन जान लेते हैं कि आपको AEPS में कितना कमीशन मिलेगा। 0 से 199 का अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई कमीशन नहीं दिया जाता है। 200 से ऊपर करते हैं 999 तक तो आपको 50 पैसे मिलेगा। 1000 से 1999 में आपको 1.5 रुपये, 2000 से 999 में आपका 4 रुपये, 3000 से 3999 में 8 रुपये और 4000 से 4999 में आपको 5 रुपये, 5000 से अगर ऊपर ट्रांजेक्शन करते हैं तो 8 रुपये। तो दोस्तों ये आपका AEPS का कमीशन है, आप देख सकते हैं इस स्लैब में आपको AEPS में कमीशन मिलेगा। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं DMT यानी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र का। अगर आप किसी के खाते में DMT यानी डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो कस्टमर के खाते से 1% का चार्ज कटेगा और उसमें आपको CSP में कमीशन मिलेगा 0.5% का। तो हम बात कर लेते हैं BBPS यानी भारत बिल पेमेंट सिस्टम। अगर भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए आप किसी के खाते में पैसे भेजते हैं तो आपको कस्टमर के खाते से 5 रुपये का ट्रांजेक्शन का चार्ज कटेगा और CSP कमीशन आपको 3 रुपये का मिलेगा। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर आप पेन कार्ड बनाते हैं तो पेन कार्ड का नॉर्मली चार्ज होता है 107 रुपये, जिसमें आपको कमीशन 5 रुपये का मिलेगा। दोस्तों हम बात कर लेते हैं अदर सर्विसेज की, तो इसमें आपको अदर सर्विसेज में क्या क्या कमीशन मिलेगा। अगर आप रिचार्ज करते हैं तो 2.93% का आपको कमीशन मिलेगा। अगर आप बस बुकिंग करते हैं तो 5.20 का कमीशन मिलेगा। इसी तरह दोस्तों अगर आप फ्लाइट बुकिंग करते हैं तो यहाँ पर आपके डिस्ट्रीब्यूटर पर कमीशन सेंड रहेगा कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर आपको कितना कमीशन देता है। उसके बाद इंश्योरेंस, अगर आप किसी का इंश्योरेंस का पेमेंट करते हैं तो आपको अप टू 10% का कमीशन मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों 10% से ज्यादा का भी कमीशन मिल सकता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आप रोनेट की डिस्ट्रीब्यूटर आईडी या फिर CSP आईडी कैसे ले सकते हैं। तो जिसके लिए दोस्तों अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई एक ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर में आपको सर्च करना है ronetsolution.com या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आप रोनेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब यहां पर दोस्तों आपको राइट साइड में 3 लाइन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन में दिखाई देगा पार्टनर विथ अस, जस्ट इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा बिकम अ पार्टनर और बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर पर क्लिक करना है। अगर आप रिटेलर बनना चाहते हैं तो बिकम अ रिटेलर पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म पेज खुलकर आ जाएगा, इस फॉर्म को आपको फिल करना है। सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है कि आपके आधार कार्ड में कौन सा स्टेट है। उसके बाद आप अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका एड्रेस है। तो यहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका फर्स्ट नेम और उसके बाद आपको अपना लास्ट नेम डाल देना है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर आपको मैसेज का ऑप्शन मिलता है। तो मैसेज में दोस्तों आपको डालना है अगर आप पार्टनर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रिटेलर डालेंगे और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर डालना है। उसके बाद आपको ज्वाइन नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप ज्वाइन नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा इंक्वायरी सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आपकी ये डिटेल कंपनी को पहुंच जाएगी और कंपनी की तरफ से आपको कॉल आएगा और कॉल में आपसे कुछ इंक्वायरी की जाएगी। इंक्वायरी आपको कर लेनी है और आपके जैसे इंक्वायरी आपकी कंप्लीट होगी तो अगर आप रिटेलर बनते हैं तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर को आपका डिटेल सेंड कर दिया जाएगा जो आपके एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, या फिर अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपके एरिया के जो पार्टनर रहेंगे या उनके सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, उनको आपका डिटेल सेंड कर दिया जाएगा और वो आपके एड्रेस पर आपका ऑनबोर्डिंग कर देंगे और उसके बाद दोस्तों आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लास्ट
ऑप्शन आपको मिल जाता है कॉन्टेक्ट अस का। अगर आपको फर्दर कोई क्वेरी रहती है रोनेट से तो यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन मिल जाएगा। इस नंबर पर आप कॉल करके यहाँ पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी मिल जाएगा, ईमेल कर सकते हैं contact@ronet.in, या फिर यहाँ पर आपको एड्रेस मिल जाएगा, इस एड्रेस पर आप विजिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप रोनेट की आईडी ले सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं Nilesh094, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।